नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, मंचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत में विवादित शब्द हरामखोर भी गूंजा। इस पर अदालत ने कहा कि संजय राउत को ये बताना होगा कि उन्होंने ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। किसान आंदोलन पर कैप्टन का बड़ा बयान, कहा देखो कहीं पाकिस्तान इसका फायदा न उठा ले। किसान आंदोलन की अगली रणनीति 8 अक्टूबर को बनेगी, कुरुक्षेत्र में जुटेगी हरियाणा की यूनियनें। हरियाणा सरकार अब अमेरिका और जापान की तर्ज पर पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करेगी, जो कि इस फील्ड में बतौर स्किल्ड वर्कर काम करेंगे। हरियाणा में भी अब पशुओं का पालन पोषण वैज्ञानिक तरीके से होगा। जेल में लॉरेंस गैंग के शूटर काली, गैंगस्टर भट्टी और साथी से 3 मोबाइल बरामद, बुड़ेल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। हिमाचल के जोगिंदरनगर में पकड़ी 2 किलो के करीब चरस, 3 गिरफ्तार, कार और बाइक जब्त। हिमाचल प्रदेश के 4,925 डिपो संचालकों को कोरोना योद्धाओं की तर्ज पर इंसेंटिव 24 लाख मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।